हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए प्रोडक्ट को लेके, और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हमेशा की तरह। तो ये आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा, ये अमेज़ोन का बॉक्स है मेरे पास, और इसको आज हम अनबॉक्सिंग इसकी करेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो हेडफोन्स आ रहे हैं वो काफ़ी बल्की और भारी होते हैं। पहले पैनासोनिक, फिलिप्स, इनके कुछ हल्के हेडफोन्स आया करते थे। हर किसी को बहुत हैवी बेस वाले हेडफोन्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली हम लोग रील्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स, हर कोई हमेशा दो दो तीन तीन घंटे हैवी बेस पे गाने नहीं सुनना चाहता है। तो ऐसे लोग, क्योंकि जो इन ईयर ईयरबड्स वगैरह आ रहे हैं, वो इन ईयर हम उन्हें काफ़ी देर तक जब डाले लगते हैं तो हमारे कानों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और उनका बैटरी बैकअप भी बहुत लॉन्ग नहीं होता, दो तीन घंटे ही होता है। तो जैसे हमें उन्हें बार बार उनके जो बॉक्स आता है साथ में उसमें डाल के उनको चार्ज करना पड़ता है, और मेनली उनका इन ईयर होना ही एक सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है कि हमें उसमें काफ़ी देर तक कानों में डाले रहने के बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग ऐसे कुछ ओवर द ईयर, ऑन द ईयर हेडफोन टाइप चाहते हैं जो हमारे कानों के अंदर ना जाएं, और भले ही बहुत हैवी बेस ना हो। अब उनमें मोस्टली लोगों को दिक्कत यही होती है कि उनको लगाए लगाए कान बहुत गर्म पड़ जाते हैं और कानों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो बहुत हैवी बल्कि आते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो इतना हैवी बल्कि ना हो, बहुत हल्के हेडफोन हो और बिल्कुल कानों पर बस रख जाएँ, बहुत बेस ना हो, मतलब वॉइस में क्लियर हो बस, जिससे कि मैं रील्स वगैरह देख पाऊँ, शॉर्ट्स देख पाऊँ, यूट्यूब वीडियोस देख पाऊँ, और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर मैं देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत हैवी बेस ना हो, ठीक ठाक हो। तो काफ़ी तलाश किया लेकिन मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स ख़त्म से हो गए हैं बिल्कुल। तो मैंने फाइनली एक ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है। तो इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। अमेज़ॉन का बॉक्स है और ये मेन बॉक्स हम निकाल लेते हैं, अमेज़ॉन वाले डिब्बे को साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट है JLab ब्रांड की तरफ से आने वाला, अमेरिकन ब्रांड है JLab गो वर्क पॉप वायरलेस ऑन ईयर हेडसेट। ये मुझे कैसा लगा, इसका वर्डिक्ट मैं एंड में देता हूँ, और पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए, इसकी प्राइसिंग जो है वो 4,999 rupees एक्सैक्ट लिखी हुई है, और इसका ये जो इम्पोर्टर नेम एंड एड्रेस ऑफ द इम्पोर्टर है लग्जरी परसोनिफाइड LLP सेक्टर 20A फरीदाबाद में है, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर है PEAG LLC DBA JLab ऑडियो लेस पाम्स डियर स्यूट 101 कार्ल्सबैड कैलिफोर्निया 92011। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय द अमेरिकन कंपनी PEAG LLC DBA JLab ऑडियो है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और यहाँ से ये ओपन होगा। और मेन, और हाँ, मैं प्रोडक्ट ओपन करने से पहले ये दिखा दूँ कि इसमें 2 ईयर्स की वारंटी है जो यहाँ मेंशन है बॉक्स पर। तो फ्रेंड्स, इसका ये है मेन प्रोडक्ट। अभी मेन प्रोडक्ट को मैं ज़रा साइड में रख देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें साथ में क्या क्या है। साथ में बस ये बॉक्स है, और ये एक छोटा सा बॉक्स और है जो कि यहाँ पे इस तरीके से फंसा हुआ था, इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर टाइप सी की चार्जिंग केबल है, ब्लू कलर की है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, माइक्रो USB 2 टाइप सी, और लेंथ भी ठीक ठीक ही है, न ज़्यादा लंबी न ज़्यादा छोटी। हेडफोन चार्ज करने के लिए इतना ही एनफ ये करता है, बहुत लंबी केबल का क्या ही करना। तो इसको वापस यहीं एफएक्स करके साइड में रख देते हैं। अब मेन हेडफोन्स पे आते हैं। तो ये है वो चीज़ जो मुझे हमेशा से चाहिए थी, एकदम हल्के और छोटे हेडफोन, ज़्यादा बल्कि ना हो, और वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। साथ में ये
वॉइस कॉलिंग करने के लिए। इसमें ये इस तरीके की ये माइक स्टिक दे रखी है, और इसका जो माइक्रोफोन है उसका जो होल है वो यहाँ पे है। इसमें ये वाली साइड बिल्कुल क्लीन है, ये वाली साइड में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट, कॉल उठाने और कट करने का बटन, और इसी से इन्हें पावर ऑन और ऑफ भी करेंगे, और ये वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम बढ़ाने के बटन। और ये इसका कुशन है इस तरीके से, ये ऐसे रोटेट हो जाते हैं, हालांकि इन्हें यहाँ से अंदर को फोल्ड नहीं किया जा सकता है ये इनके। और ये जो माइक्रोफोन स्टिक है ये दोनों तरफ इधर भी और इधर भी मूव हो सकती है। क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, और ये जो ऊपर मेटल स्टिक दी है इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी तो मुझे पसंद आई। और ये जो क्लॉथ टाइप लगा हुआ है बीच में, सिर्फ कपड़ा ही है, और साइड में अंदर कुशनिंग है, कुशनिंग की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, जैसा कि मैंने इसे सुना तो ये वास्तव में बेस बहुत हैवी नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है, और जो कि एक 30+ एज वालों को इतना ही बेस चाहिए होता है, तो उस हिसाब से बेस सही है। कानों पे कंफर्ट अच्छा है, क्लॉथ की क्वालिटी बहुत स्मूथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छी है, कुशनिंग की क्वालिटी अच्छी है, और जो वॉइस क्वालिटी है इसको अच्छा। जब मैंने अपना, मैं वन प्लस का फ़ोन यूज़ करता हूँ, इसके साथ मैंने सुना तो जो बेस हैवी गाने हैं वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड हुए, यूट्यूब के थ्रू ही मैंने सुने थे। और जब मैंने इसे अपने लैपटॉप के साथ सुना, ये आसुस आरओजी लैपटॉप है मेरे पास, और जब मैंने अपने रियलमी के टैब के साथ इसे कनेक्ट किया, तो वहाँ वॉइस बहुत अच्छी आई, बेस भी बहुत बेहतर लगा, और क्लियरिटी तो है ही है, वो फ़ोन के साथ भी आवाज़ क्लियर काफ़ी है, लैपटॉप के साथ भी क्लियर है, और टैब के साथ भी क्लियर है। तो ओवरऑल मुझे ये हेडफोन अच्छे लगे, ये मुझे 3500 रुपीज़ के पड़े अमेज़ोन से। सो थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन अब क्योंकि मार्केट में ये थोड़े से बल्कि ही हेडफोन्स का चलन है, इस तरीके के हल्के हेडफोन्स ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो अगर आपको इसी तरीके का हल्का हेडफोन चाहिए जिस पे आप सर पे लगा के और रील्स, वीडियोस, मूवीज़, वेब सीरीज़, थोड़े बहुत गाने ये सब देखते रहो, और आपको सिर में और कानों में दर्द ना हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। तो 3500 रुपीज़ अगर आपको ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल हैं आपके लिए, तो आप ये हेडफोन देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये जे लेब की यहाँ पे ब्रांडिंग भी है, और ये इस तरीके की इनकी बिल्ड क्वालिटी है। तो ओवरऑल 3500 रुपीज़ के हिसाब से मैं कहूँगा ये थोड़े से महंगे हैं, 2500 रुपये तक होते तो ये बहुत ही अच्छे होते। हालांकि जिसमें ये कॉल सेंटर क्वालिटी वाला ये माइक भी आता है, क्योंकि इसकी हाँ कॉल क्वालिटी इसके माइक के साथ बहुत ही बेहतरीन है, किसी कोई भी ये फ़र्क बता ही नहीं पाता है कि आप किसी ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह से कॉल कर रहे हो या डायरेक्ट फ़ोन से कॉल कर रहे हो। मैंने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को कॉल की है इससे, और उनसे फीडबैक पूछा है, और उन अपने फ्रेंड को ये हेडफोन देके और उनसे खुद को कॉल करवा के भी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यही वर्डिक्ट है कि 3500 रुपीज़ में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा 1500 थोड़ा सस्ता होता तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाता, लेकिन अगर 3500 आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये एक गुड टू गो प्रोडक्ट है, और आप इसे बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको मुझे मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसके बारे में कोई और किसी और तरह का कुछ और जानना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा, और या तो कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा आपको आंसर, या फिर एक नया वीडियो बना दूंगा उसके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।